तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ल जमीन पर, एगम के और चार दिन सितम के और चार दिन, दिन भी जाएंगे गुजर गुजर हजार दिन। पढ़कर क्या बनना चाहोगे? मैडम। मैडम शिक्षिका बनना चाहेंगे, क्यों शिक्षिका बनना चाहेंगे? हमको ये बहुत पसंद है। बहुत पसंद है। नमस्कार, मैं सुनील भोबी और आप इसमें देख रहे हैं मगज संवाद, और मैं आज आपको एक विद्यालय में लेकर आया हूं जहां बच्चों से बात करेंगे, चंचन मन से बात करेंगे, देश दुनिया से हटकर बच्चों के बीच आपको लेकर आया हूं और जानेंगे उनका नाम और क्या क्या उनकी रुचियां हैं, क्या कुछ कहते हैं, देखिए बड़ा मज़ेदार लगेगा। और अच्छा लगे तो आप जुड़े रहिएगा, अंत तक बने रहिएगा, एक से एक बढ़कर बात बच्चों से हम करेंगे। देखिए यहाँ पर एक कार्यक्रम भी चल रहे हैं, कार्यक्रम के बीच जो है हमारे बच्चे भी हैं, इनके बीच में बैठ जाते हैं, थोड़ा सा घसक जाइएगा, हमको भी बैठने दीजिएगा, बैठ जाइए। देखिए हमारे बीच में बच्चे भी हैं, क्या नाम हुआ आपका? शुभम कुमार। किस क्लास में? नाइन्थ। नाइन्थ, तो नाइन्थ क्लास में पढ़ते हैं, तो आपको सबसे बेहतर विषय कौन सा लगता है, अच्छा विषय कौन सा लगता है? विज्ञान। विज्ञान, विज्ञान में आप क्या कुछ जानते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानते हैं, सब चीज़ जानते हैं। तो आप बताइए कविता वगैरह भी जानते हैं? कविता वगैरह नहीं जानते। कविता नहीं जानते हैं? नाइन्थ क्लास में पढ़ते हैं, अब तक कोई कविता नहीं जानते हैं? कोई नहीं जानते हैं, नहीं कुछ भी नहीं। मैथ पढ़ते हैं? मैथ में क्या अच्छा लगता है आपको? मैथ में सब सब त्रिभुज सब पढ़ते हैं। गाना वगैरह भी सुनते होंगे? या सर। कौन सा गाना आपको अच्छा लगता है? भक्ति। भक्ति कौन? थोड़ा सा क्या नाम है? नीतीश कुमार। राकेश किस क्लास में पढ़ते हैं? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं क्या? नहीं सर। आप इस क्लास में? क्लास सर। नाइन्थ क्लास की कोई कविता? नाइन्थ क्लास कविता है, कविता याद था। यस सर। याद नहीं सर, कोई कविता याद नहीं है, तो कैसा परीक्षा दीजिएगा? याद था तब भुला गया। गाना उना आता है क्या? यस सर। कौन सा गाना आता है? हिंदी भोजपुरी? हिंदी। हैं ये लाइन सर, बुलावे तुझे आ रिया जो मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग में अलग दुनिया, नया है कभी दोनों में जरा भी फसले, बस एक मैं हूं और कोई ना। पढ़ने में मन लगता है? यस सर। न पढ़ने में, घर रहने में मन लगता है कि पढ़ने आने में मन लगता है? पढ़ने आने में मन लगता है सर। क्यों सर? घर मन नहीं लगता है, यहाँ पढ़ने में मन लगता है। पढ़ लिख कर आप क्या बनिएगा सर? बनेंगे कुछ ऑफिसर। क्या ऑफिसर बनिएगा? बनेंगे कुछ, कुछ बनिएगा। घर पर क्या क्या काम कर लेते हैं? घर पर काम नहीं करते हैं सर, कुछ भी नहीं। घर का काम भी करना चाहिए। आपका क्या नाम है? अभिषेक कुमार। किस क्लास में? सिक्स क्लास में। सिक्स क्लास में पढ़ते हो, सिक्स क्लास की कोई कविता सुना दो। भूल गया है क्यों इंसान, सबकी मिट्टी है निर्मल छाया, सब है विशेष वरदान, भूल गया कि धरती में मानव उपजाया और मानव ने ही देश बनाया। पढ़ने में मन लगता है? यस सर। कितना मन लगता है? बहुत मन लगता है। बहुत मन। कौन सा विषय अच्छा लगता है? सबसे अच्छा मैथ लगता है। मैथ क्यों? क्योंकि मैं बहुत विशेष था, बहुत अच्छा लगता है। चलिए इनको मैथ बहुत अच्छा लगता है और हम और लोगों से बात करेंगे और बताएंगे। देखिए यहाँ पर बच्चियाँ बहुत ज़्यादा हैं और तमाम बच्चियों से भी हम बात करेंगे। आप किस क्लास में पढ़ती हैं? क्या नाम है? रूपा कुमारी। रूपा कुमारी, एट क्लास के हिंदी की किताब का कोई कविता याद है क्या? तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, जिंदा है तो जीत पर यकीन कर, सुनाइए कविता का दो लाइन। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ल जमीन पर, एगम के और चार दिन सितम के और चार दिन, दिन भी जाएंगे गुजर गुजर हजार दिन। जिंदा है तो जीत पर यकीन कर, अब तू जिंदा है तो यह कविता बहुत ही अच्छी कविता है और बच्ची ने बहुत ढंग से सुनाया है। घर का काम उन करती है कि नहीं करते हैं? रोटी बनाने आता है। यस। किससे सीखे हैं? मम्मी से। मम्मी से सीखे। पढ़ने में मन लगता है? पढ़ लिख कर क्या बनेंगे? बनना तो कुछ सोचे हैं। क्या सोची हैं? आंगनवाड़ी में। आंगनवाड़ी में बनिएगा,
मास्टर भी नहीं आंगनवाड़ी में बनिएगा। चलिए, इनका सोच है कि हम अपने गांव में ही रहें और लोगों के बीच में ही रहें। इसको लेकर थोड़ा सा उधर जाने दीजिए और बच्चियों से हम बात करेंगे। आपका क्या नाम है? अस्मिता कुमारी। अस्मिता कुमारी किस क्लास में पढ़ती हो? एट। तो एट क्लास में सबसे अच्छा विषय आपको कौन सा पसंद, कौन सा है? हिंदी। हिंदी। हिंदी में किसी एक कवि का नाम बता दीजिए। कविता आता है? हाँ। कौन सा कविता है? तू जिंदा है तो। और कोई नहीं? कबीर के दोहे। हाँ। कौन सा? कल करो से आज करो। कल करो से आज, आज करो से अब। पल में परले हो जाए बहरी करेगा कब। गीत वगैरह गाने आता है? नहीं, हमको संगीत से प्रेम नहीं है। नहीं, गीत नहीं आता। पढ़कर क्या बनना चाहो? मैडम। मैडम शिक्षिका बनना चाहेगी? क्यों शिक्षिका बनना चाहेगी? हमको ये बहुत पसंद है। बहुत पसंद है, इसीलिए पढ़ भी रही हैं। कहाँ घर? मोहली। मोहली घर है। मैंने पढ़ लिख कर मैडम बनेंगी और बहुत सारी लड़कियां जो हैं जो छुपने के भी प्रयास करें। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मनोरमा कुमारी। मनोरमा कुमारी, क्या पढ़ती हैं आप? पढ़ने में मन लगता है? कोई दबाव में भेजते हैं पढ़ने के लिए? अपने मन से पढ़ना चाहती हैं? पढ़ना चाहते हैं। पढ़कर क्या बनेगी? शिक्षा। कुछ भी नहीं, घर पर रहिएगा, कुछ तो बनना होगा ना। शिक्षा। अच्छा ये बताइए कि आप गांव में रहती हैं, अपने घर में काम वगैरह करती होंगी? खाना बनाने आता है? चाय बना लेती हो? कौन सा खाना आप बना लेती हो? अगर अचानक कोई व्यक्ति आ जाए तो उसे क्या खिला दीजिएगा? क्या खिलाइएगा? यहाँ बच्चियाँ शर्मा रही हैं, गांव जवार की बात है, लेकिन फिर भी अब अपनी बातों को रख रही हैं, सुना रही हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इनको नहीं आता है, कविता भी याद है, कहानी भी याद है, ट्रांसलेशन वगैरह सभी जानते हैं, लेकिन अचानक माइक लगने के बाद बच्चियों में थोड़ा सा हिटेशन हो जाता है, जिसके कारण यह बोल नहीं पा रही है। लेकिन कोशिश हम कर रहे हैं कि कुछ और बच्चियों से मिले और कुछ गीत संगीत से भी जिनका प्रेरणा होगा। क्या नाम है आपका? दुर्गावती। किस क्लास में पढ़ती हो? नाइन्थ। नाइन्थ क्लास में पढ़ती हो। नाइन्थ में कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? हिंदी। 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 कोई कविता याद है? संगीत से? संगीत है। संगीत सुनाइए। देखिए याद तो है, लेकिन लोग गांव में जो होता है शर्माना, यह बिल्कुल इस तरह की बातें हैं और लोगों से हम बात कराएंगे। लेकिन आपको बता दें कि यहां पर जो बच्चे हैं एक विज्ञान मेला में जो हैं सम्मिलित हुए हैं और कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। और इसके बीच हम अभी आपको बातचीत छात्राओं से आपको करवाया है और आगे भी जारी रहेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी अभय कुमार और मैं आपके साथ हूँ सुनील बॉबी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।